हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, ए न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिश्पा परवेज। मुलाहिज़ा कीजिए अब तक की हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट 2017 मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ मौलाना अल्लाह वसाया ने दरख्वास्त दी थी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की फैसले की मुखालफत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ 3 नैब रेफरेंसेस को यकजा न करने का फैसला एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। एहतसाब अदालत में कल एक और पेशी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने हुसैन और हसन नवाज को नैब रेफरेंसेस में इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी को हवा देकर भारत एक आग से खेल रहा है। सी पैक के खिलाफ हर सतह पर साजिश हो रही है। पाकिस्तान अपनी कम से कम एटमी सलाहियत हर हाल में बरकरार रखेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का दो टोक ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाका नवासी कोयटा पहुँच गए। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म अमन अमान और तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास की सदारत करेंगे। पंजाब और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मौसम सरमा की पहली बारिश। ज़ियारत और खानुज़ई में बर्फबारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से खैबर पख्तूनख्वा